Hello, let's see the question. The question says that the angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower is 30 degree. On advancing 150 meters towards the uh, foot of the tower, the angle of elevation of the tower becomes 60 degree. Show that the height of the tower is 129. पॉइंट नाइन मीटर्स यूज रूट थ्री इज़ इक्व टू सेवन थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो यहाँ से हमको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर थर्टी डिग्री गिवन है हमको हमको बोला है कि टावर का जो फुट है उसके सेम लेवल पे अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में थर्टी डिग्री है वन फिफ्टी मीटर्स अगर हम Uh, इसकी तरफ अगर फुट ऑफ़ फुट ऑफ़ जो टावर है उसकी तरफ अगर चल लें तो हमारा जो पॉइंट है तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन जाता है तो हमको बता हमको ये शो करना है कि हाइट ऑफ़ टावर जो है वो 129 मीटर्स होगी 129.9 मीटर्स होगी हमको बताना है तो यहाँ से हमारे पास क्या है सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की तो एंगल ऑफ एलिवेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ जो अपवर्ड की तरफ बनता है ये हमारे पास बनता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोट्स डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ये हमारे पास क्या बनता है ऑब्जेक्ट की तरफ अपवर्ड की तरफ जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अब देखिए जो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग हम सबसे पहले तो एक टावर बना लेते हैं अब टावर जो है उसका एंगल ऑफ हमारे पास में एलिवेशन जो है वो क्या क्या बनेगा देखिए ये हमारे पास में एक तो हो जाएगा और एक ये हमारे पास में दो हमारे पास में एंगल ऑफ़ एलिवेशन बनेंगे वन मीटर जो है टावर के फुट ऑफ फ़ुट की तरफ जाने पर यानी कि ये वाले डिस्टेंस वन मीटर्स हो जाएगी ये वाला एंगल हमारे पास में कितना है थर्टी डिग्री है ये वाला एंगल हमारे पास में सिक्सटी डिग्री होगा यहाँ पे ए बी सी और डी हमारे पास में है अब देखिए ये हमारे पास बनेगा ये एंगल नाइन्टी डिग्री है अब हमको क्या बोला है यहाँ से देखिए हमको बताना है शो दैट द हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर हमको बताना है वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन मीटर्स होगा ये हमको बताना है यहाँ से अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंसिडर किया ट्राइंगल ए यहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर किया ए बी और सी कंसिडर किया तो इस ट्राइंगल में हम टेन थीटा यूज़ करेंगे टेन सिक्सटी डिग्री बनेगा ये किसके इक्वल होगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा तो यहाँ से हमने टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ए बी अपॉन यहाँ से बी सी की इक्वल हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टेन थर्टी बनेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी अपॉन जो बेस है वो कितना हो जाएगा वन फिफ्टी प्लस बी सी बन जाएगा तो यहाँ से हमने क्या किया वैल्यू uh, रखी तो वन अपॉन रूट थ्री होती है टेन थर्टी की वैल्यू अब यहाँ से ए बी अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 फिफ्टी प्लस बी सी हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर सेकेंड तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड का तो यहाँ से क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा दोनों को डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री दिस इज एक्वस टू ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा 150 फिफ्टी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा तो ये कितना हो गया इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे थ्री बी सी इज ईक्वस टू वन फिफ्टी प्लस बी सी तो यहाँ से हो जाएगा बी सी इज ईक्वल टू वन फिफ्टी बाई टू कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगी यहाँ पे सेवनटी फ़ाइव मीटर्स हमारे पास में बी सी की डिस्टेंस आ जाएगी अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर यानी कि ए बी की हमको डिस्टेंस ए बी हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा तो फर्स्ट से हम क्या बोल सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू यहाँ से रूट थ्री यानी कि वन पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाइड बाई बी सी जो है हमारे पास सेवेंटी फाइव मीटर्स है इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा टावर आ टावर की हाइट आ जाएगी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ टावर ये बन जाएगा हाइट ऑफ टावर ये हमारे पास में बन जाएगा यही हमको बताना था हाइट ऑफ़ टावर क्या होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन मीटर्स हमारे पास में हाइट ऑफ टावर बन जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल गुड लक थैंक यू